फ्रेंड्स, अनिल देशमुख मामले में एक बड़ी खबर आ रही है जो कि रिलेटेड टू अरेस्ट वारंट है, और इसी के चलते ये खबर आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ। आप लोग देखिए कि किस तरह से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट द्वारा दिए गए समन को अवॉइड किया गया अनिल देशमुख वाइफ और बेटे द्वारा। कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा, एक खबर आई थी रिलेटेड टू हिज नेटिव प्लेस, जहां पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने रेड की थी, लेकिन प्रिमाइसेस पर कोई भी नहीं मिला फैमिली का मेंबर। और उसी के चलते अब जो बड़ी खबर आ रही है वो ये है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास वारंट है फॉर देशमुख अरेस्ट। ये बड़ी खबर है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। 100 करोड़ वसूली मामले के चलते सीबीआई द्वारा एफआईआर दर्ज की गई। सीबीआई की एफआईआर पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने ईसीआईआर दर्ज किया और फिर कई प्रिमाइसेस पर रेड की, जिसके चलते पीए और पीएस को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की कस्टडी में भेजा गया। और उसके बाद से अनिल देशमुख अवॉइड कर रहे हैं ईडी का समन्स, और उसी के चलते ये बड़ी खबर आ रही है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए दिखे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई टल गई और मामला फ्राइडे तक के लिए चला गया। लेकिन देखना और समझना होगा कि क्या इनको सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलेगी, क्योंकि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के हवाले से खबर आई थी कि सुप्रीम कोर्ट को बताएंगे क्या है पूरा मामला और किसी भी तरह का रिलैक्सेशन देने के लिए रोकेंगे, ये कहा गया था एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट द्वारा। लेकिन जो बड़ी खबर है वो ये है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास वारंट है अनिल देशमुख के अरेस्ट के लिए, क्योंकि जिस तरह से उनका मामला सामने आया और जिस तरह से ईडी के समन्स को अवॉइड कर रहे हैं उसी के चलते ये खबर आ रही है। आपने देखा कि रिसेंटली कई करोड़ों की प्रॉपर्टी को जब्त किया गया, हालांकि उस पर एक स्पेकुलेशन था रिलेटेड टू द वैल्यू, क्योंकि उस टाइम के वैल्यू और आज के वैल्यू में ज़मीन आसमान का अंतर हो सकता है। लेकिन क्या ऐसा चाहिए, आने वाला वक्त बताएगा। और मामला अब गर्माता जा रहा है क्योंकि सीबीआई को भी अब ग्रीन सिग्नल मिल गया है प्रॉपर ग्राउंड्स पर, जो कि बॉम्बे हाईकोर्ट से मिला, क्योंकि 2 पैराग्राफ को क्वाश करने की मांग की गई थी, लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट ने सीबीआई को फ्री हैंड दे दिया है टू सी कि किस बेसिस पर सचिन वाजे को रीइंस्टेट किया गया था, स्पेशल केसेस दिए गए थे और एक्सटॉर्शन का मामला, क्योंकि यही वो 2 पैराग्राफ थे जिसको क्वाश करने की मांग की गई थी महाराष्ट्र सरकार और अनिल देशमुख द्वारा। तो सीबीआई और ईडी जिस तरह से कार्रवाई कर रही है, देखना होगा क्या रहेगा। लेकिन एक वारंट का मामला सामने आया तो मुझे लगा मैं इसे खबर को आप लोगों तक साझा करूँ। कुछ और खबरें हैं जो कि आ रही हैं, वो मैं आपको अगले वीडियो में शेयर करूँगा। फिलहाल इतना ही, कुछ और खबरों के साथ फिर जुड़ूंगा।